तो गाइस, आंटी जी के जो पास में आई हूँ वो आंटी जी के तीन बेटियाँ हैं, एक लड़का है। और आंटी जी मतलब अंकल जी नहीं है, उनके हस्बैंड बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे, और तो इस वजह से वो दुकान करती हैं, सिलाई करती हैं, और इसी से ये अपना खर्चा और बच्चों को पढ़ाती हैं। बहुत अच्छी आंटी है, रियल में बहुत अच्छी है। और उनकी कास्ट SC में आते हैं वो, पर हम स्टार्टिंग से इनके पास बैठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैं 6 महीने बाद गई थी तो बहुत अच्छा लगा था, और बहुत टाइम तक बैठ के आए थे। वैसे इनके पास अगर पूरा दिन भी जाऊँ ना तो कम पड़ जाता है, तो जरूर देखना पूरा वीडियो, ठीक है। थ्रेडिंग कैसे बनवाने हैं? थ्रेडिंग गाइस मेरी सिस्टर से बनवाती है हमेशा तनु से, पर मैं सोच रही हूँ कि बस बाहर बनवा लेती हूँ, क्योंकि ये परेशान रहती है। वैसे मेरे लिए परेशान नहीं होती, पर मैं सोच रही हूँ बाहर बनवा लूँ। आप सब लोगों से कर देंगे कौन से पार्लर में जा रही हूँ, तो और गाइस मैं बिग पार्लर पहली बार रहेंगे लोग बाहर जा रही हूँ। इसके छोटे छोटे हाथ, इसके छोटे छोटे हाथ, मम्मी दिख रही हैं। मैंने क्या करी है? माय ब्रो। और गाइस ये देखो, ये हमारी है जैसे साथ में वीडियो, और हम वीडियो चल रहा है वीडियो, और मम्मी व्यस्त हमारी घर पाड़ी है, ये हमारी भैंस है। और देखो मम्मी है ना जो चारा पता नहीं खाती हूँ कितनी काट के लगे, देखो ऐसा चारा बना, देखो चारा खाने का मम्मी ने बनाया सीमा। फिलहाल ये पानी का बनाओ, बारिश की वजह से पानी भरा हुआ। चलो इसको ना मैं अपनी मर्जी से इसको लैंग लुगड़ी में लेके जा रही हूँ, इसका कोई मन नहीं था। इसको तो हटा दे यार, थोड़ी देर लुगड़ा वाली जरूर दिखाई दे। दिखाना पड़ा बोले तो कुन्नू कहेंगा तू जा खाए दिखाओ का ये आप तो बंदे ब्लॉग भी बनाती थी ना, बंद कर दी ऐसे करे क्या? ब्लॉग ब्लॉग बनाती थी ना। अब मैं कुछ नहीं बनाती। तो गाइस मैं देखो आईब्रोस बना ली हैं, हाथ में लहंगा लुगड़ी में आ गई हूँ, पहली बार मुझे इन्होंने लहंगा लुगड़ी में देखा है, तो बन गई है मेरी आईब्रोस। ठीक है चलते हैं अब घर पर, तो अब घर पर बनाएंगे ब्लॉग। उठाओ दोनों उठाओ। तो हम आ गए पार्लर से, और अब टाइम काफ़ी हो रहा है, मैं घर पे जाने वाली हूँ, मम्मी के घर से जा रही हूँ मैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे खाना वगैरह बनाना है। और तो मैं थोड़ी देर उससे पहले मैं आंटी जी है जो मतलब सूट वगैरह ब्लाउज वगैरह सिलती है, मैं उनसे सिलवाती हूँ, तो मैं उनके पास जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए, मुझे कुछ काम है उनसे, तो आपको भी मिलवाती हूँ उनसे, ठीक है। तो बन जी ब्लॉग में कौन है मैं कहाँ सिलवाती हूँ वो भी आपको देखने को मिलेगा, तो ठीक है चलते हैं। वैसे काफ़ी टाइम हो गया है, 7 बज रहे हैं, पर पास में ही है, ठीक है।
की है, हम आपको दिखाएंगे। देखो ये सरकारी स्कूल की जिसमें मेरी बहन पढ़ी थी, देखो कितना पानी भरा है गाइस, बारिश में कितना पानी भरा है। इसमें ये भी नहीं पता स्कूल कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है। तो ठीक है गाइस, अब वहीं पे मिलते हैं पहुँच के। आंटी का रिएक्शन ये तो मैं सोच पैर छू रही है अब यही हुई वीडियो बना रहा हूँ यार। आंटी आपको तो हम सुबह से आप ये खुशबू चलो रोटी बना रही लाइव नहीं है वीडियो ये आंटी जी दुकान है छोटी सी। येलो वाली अच्छी लग रही है। हाँ ये कलर बहुत सुंदर है, तो उन्हें बहुत ज्यादा डार्क कलर है। ये देखो गाइस आंटी के पास इसलिए आए थे साड़ी थी, देखो आंटी साड़ी ले एक से नहीं ना, बहुत ही सुंदर है। कितने की आंटी? बहुत ही अच्छी, बहुत ज्यादा। कपड़े दिखाना एक बार इधर। वो वाले ज्यादा अच्छे लग रहे ग्रीन डार्क ग्रीन सही तो दीदी की सही कह रही। ये ओनली अभी पहन सकते हैं बस। गाइस बारिश भी आ गई है और बरसात भी आ गई है, और देखो हम जा रहे हैं आंटी जी के घर से और बहुत लेट हो गए हैं, काफ़ी लेट हो गए हैं, क्योंकि आंटी जी के पास से मैं कम से कम 5-6 महीने में आई हूँ, तो ना उनसे बातें करने लग जाते हैं तो टाइम ही नहीं मिलता उनके पास। तो अगर सुबह से आओगे ना फिर भी आप बोर नहीं होंगे, मतलब बातें करते 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 कितनी बातें कर लो। तो हम घर पर जा रहे हैं, मम्मी ने कॉल कर दिया क्योंकि मम्मी डांट रही थी बहुत ज़्यादा, पर हम बारिश की वजह से रुक गए थे, इतना नहीं रुकते क्योंकि बच्चे को छोड़ गए, पर बारिश की वजह से रुक गए थे। बारिश में भीग जाएंगे तो बीमार पड़ जाएगा, दूध दूध पिएगा तब। तो ठीक है गाइस, अब घर चल के मिलते हैं आप सभी से।